नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत सैन्य प्रतिष्ठान का एक हिस्सा तनाव को कम करने के लिए 6 जून को ही बातचीत को लेकर बेहद उत्साहित था। यही उत्साह 20 जवानों के शहीद होने का कारण बन गया। इस देश का राजनीतिक वर्ग अभी भी गांधी के सिद्धांतों पर कुलाचे भरता है। चीन ने 1962 से लेकर लगातार भारत के साथ धोखे पर धोखे किए हैं, मगर गांधी के 3 बंदरों को कंधों और सिरों पर बिठाकर या कदम ताल किए जाते हैं। अब हालत यह है कि गांधी की शांतिवादी विचारधारा ने देश को एक बड़ी जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। बड़ी बात यह है कि चीन गलवान घाटी को अपना बता रहा है, जबकि भारत शांति की पाठशाला में बैठा पाड़े सुना रहा है। चीन अपनी तैयारियों में व्यस्त है, भारत बातचीत का राग अलाप रहा है। हद तो तब हो जाती है जब रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हेतु भारत हामी भरता है। यानी चीन को यही संदेश दिया जा रहा है कि भारत बहुत ज्यादा गुस्से में है। पर यह गुस्सा चीन के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता को शांत करने के लिए है। चीन LAC के नजदीक आकर गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर डेरा डाल चुका है। भारत इंतजार करता है कि चीन वापस लौट जाए, वह टस्से मस नहीं होता है। पर विडंबना देखिए, भारत की जमीन पर घुसकर वह खुद ही बातचीत को आमंत्रित करता है। सरकार इसे इस तरह प्रस्तुत करती है कि मानो चीन पर फतेह पा ली गई हो, भारत की जमीन को कब्जा लिया गया। भारत को पता चला तो बातचीत में उलझा लिया गया। तैयारियां होती रही और या गांधी के बंदर नृत्यगान करते रहे, मगर इससे भी हास्यास्पद स्थिति यह है कि 20 जवानों को गंवाने के बाद भी चाइना के साथ बातचीत की टेबल पर चाय गटकी जा रही है। शांति और सीमाओं के सम्मान की दुआई दी जा रही है, जबकि कहना यह चाहिए था कि बातचीत तभी होगी जब चीन पहले वाली स्थिति में लौट जाएगा। पराक्रमी की यही पहचान होती है कि एक डेडलाइन जारी करके अल्टीमेटम दिया जाता, फला तिथि तक वापस नहीं गए तो फिर भारत की कार्रवाई से सामना करना होगा, उसके बाद ही बातचीत पर विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तान या म्यांमार के साथ ही होते देखा है। चीन और अन्य पड़ोसी देशों के प्रति भारत अलग अलग सिद्धांतों पर काम करता है। ऐसे में देश कमजोर ना होते हुए भी कहीं ना कहीं खुद पर संदेह होता है। कभी कभी यह भी लगता है कि कहीं भारत की सेना के उच्च अधिकारी वातानुकूलित संस्कृति के शिकार तो नहीं हो गए हैं। सरकारें कभी भी युद्ध के फैसले नहीं करती है, युद्ध के लिए सेना ही सरकारों को अपनी क्षमता ताकत और रणनीति के बारे में बताती है, उसके बाद ही सरकार जंग का उद्घोष करती है। सेना जिस तरह चीन से बातचीत में उलझी है, उससे उसका यह नया अवतार देखने को मिल रहा है। सेना का काम वार्ताओं में सिर खपाने का नहीं है, उनका काम जंगे लड़ना है। जंग के निर्णायक होने के बाद ही शांति की पहल होती है। बातचीत की जाती है क्योंकि जंग के बाद होने वाली वार्ता सदैव निर्णायक होती है। इस मामले में चीन भारत की मनोदशा समझता है। उसे पता है भारत गांधी के 3 बंदरों से प्रेरित मुल्क है। LAC पर चीन किन तैयारियों में व्यस्त है, उसे देखकर आंखें बंद कर ली गई है। चीन ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है, उसकी तरफ से कानों पर हाथ रख लिए गए हैं। शी जिनपिंग ने कल अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, मगर यहां तो अभी भी होठ सिले हुए हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि गांधी ने बंदर 3 ही क्यों चुने। शायद इसलिए कि उन्हें पता था चौथा बंदर कम्युनिस्ट है, जो इन 3 बंदरों पर भारी है, क्योंकि वह इनके मुकाबले धूर्त मक्कर और झूठा है, जो कहता कुछ है, दिखाता कुछ है और समझाता कुछ और है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, LAC पर चीन का पलटा भारी होता जा रहा है। आज आई खबर के मुताबिक चीन ने गलवान नदी पर बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक कच्ची पड़ी सड़क को पक्का करने का काम आरंभ हो चुका है। यानी चीन बातचीत के पलटे में गलवान और भारत को तोल रहा है। भारत चीन की तरफ ताक रहा है, जबकि गलवान अब भारी होता जा रहा है। यह हैरानी की बात है कि भारत अपने ही इलाके को छुड़ाने के लिए वार्ताओं को प्राथमिकता दे रहा है। देश का जो मूड है, वह उसमें कठोर कार्रवाई चाहता है। जब 130 करोड़ लोग शहीद होने से नहीं डर रहे हैं, फिर वातानुकूलित संस्कृति वाले लोगों को कौन सा इसमें डर है। अब भारत के पास बातचीत का वक्त नहीं बचा है, बल्कि चीन को अल्टीमेटम देने का वक्त है। अगर इसमें और ढील दी गई तो यह मुद्दा बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा, जिसे भारत की जनता शायद ही सहन कर पाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।